नमस्कार दोस्तों, मैं सईद आलम खान आगाज़ भारत न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस समय मैं रेलवे कॉलोनी के पास हूं और यहां पे दो पीड़ित ऐसे व्यक्ति मिले हैं हमसे जिनके यहां नाली की समस्या विगत कई वर्षों से चल रही है। थानाध्यक्ष को लिखे जाने वाले अप्लीकेशन के बाद भी इन पर कोई सटीक कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर का यह मामला है और आइए हम लोग पीड़ित से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश मिश्रा। क्या दिक्कत है ज़रा अपनी? दिक्कत का समस्या, नाली का समस्या है। हमारे अगल बगल में नाली बना हुआ था लेकिन उसको बंद कर दिया गया और हमारे नाली का पानी सब हमारे दरवाजे पे लग रहा है। और पार्षद के पास कई बार गए लेकिन वो चार महीना पाँच महीना का ऐसे टाइम दे करके निकालते चले गए लेकिन नाली नहीं बनवाए। सामने क्या कह रहे हैं, फंड की कमी है या कुछ और मामला है? नहीं, फंड की नहीं, बस ऐसे कहते हैं बन जाएगा ऐसे बस कहते हैं। आप अपने नज़दीकी जो आपका अभी बता रहे थे कि मंदिर तक मैं गया था, तो वहाँ से क्या कार्रवाई हुई है? तो मंदिर पर गए थे, वहाँ पर मोहर मार करके दे दिए कि शाहपुर थाने पर चले जाइए। वहाँ पर गए तो वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर यहाँ ले जा करके नीना थापा चौकी पर दिए तो वहाँ पर बोले अच्छा हो जाएगा। दो पुलिस वाले आए थे, वहाँ आ करके देखे, बोले कि ऐसा है पंडित जी कि जैसे गिर रहा है ऐसे गिरने दीजिए, आपके पास कोई फोर व्हीलर तो है नहीं, जैसे गिर रहा है वैसे गिरने दीजिए। ये तो समझ में बात आ नहीं रही है कि आम आदमी जिसके पास फोर व्हीलर नहीं है तो उसको नाली की ज़रूरत नहीं है क्या? नाली की ज़रूरत क्यों नहीं है, लेकिन प्रशासन सुन नहीं रहा है, नाली को उसको ओपन नहीं करवा रहा है। लोग अगल बगल के दो तीन लोग हैं, पुलिस वाले लोग हैं, सब लोग कह रहे हैं कि घर में अपना गड्ढा खन करके अशोकता बनवा लीजिए। ऐसे जो ये समस्या है नाली की, आपके मोहल्ले में सिंहासनपुर का जो केस है तो कितने लोग इस नाली की समस्या से त्रस्त हैं? हम लोग तीन लोग हैं, एक गुड्डू श्रीवास्तव हैं, एक सुनील गिरी हैं और एक दिनेश मिश्रा हैं जिनको नाली का समस्या है। तो सुनील गिरी का जो था वो पीएससी में, उनके पिताजी हैं, वो अपना सोख्ता बनवा लिए। और गुड्डू के भी पिताजी पुलिस में हैं, वो भी सोख्ता बनवा लिए। हमारे पास पैसे की कमी है, हम नहीं बनवा पा रहे हैं। बीसों साल से हम हाउस टैक्स भर रहे हैं नगर निगम का, किस चीज़ का भर रहे हैं? सरकार की तरफ से जो फंड जारी किया गया है तो इसके लिए आप अपने पार्षद पे क्यों नहीं दबाव बना रहे हैं? पार्षद से जितना बार कहने जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि चार पाँच महीना में बन जा रहा है। हम लोग 10 साल से सड़क बने हो गए, अभी तक कोई निकासी ही नहीं मिला पानी का। क्या कार्रवाई करने की अपील करेंगे सरकार से और प्रशासन से? हम प्रशासन से कह सकते हैं, अब वो करना उनका काम है। हम तो दौड़ रहे हैं चारों तरफ लेकिन कोई सुनवाई, नगर निगम में अर्जी दिए वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। हो जाएगा, बस हो जाएगा, यही लोग कहते हैं। ये दिनेश मिश्रा जी हैं जो विगत लगभग 10 सालों से पीड़ित हैं नाली की समस्या से। आज जिस देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है उस मुख्यमंत्री के शहर में इस तरह की घटना, कहीं ना कहीं इस पर बेहतर निस्तारण और ठोस कार्रवाई की ज़रूरत है। चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि दिनेश मिश्रा जी की समस्या को यथाशीघ्र सॉल्व किया जाए ताकि किसी भी तरीके की गंदगी और अन्य चीज़ों से जुड़ी हुई बीमारी को फैलने से रोका जा सके। धन्यवाद।